गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हिंदी विषय के कक्षा पहली के 12 खड़े लेखन के इस सेशन में आप सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत। आज हम त वर्ग के अगले अर्थात दूसरे अक्षर की 12 खड़ी लिखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब सभी बच्चों को इन सारे स्वरों की मात्राओं की पहचान हो चुकी है, क्योंकि आप सभी बच्चों ने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग की 12 खड़ी बहुत ही अच्छे से लिखी है और उसका अभ्यास और सराव भी किया है। तो आप सभी बच्चों को इन सारे स्वरों के मात्राओं की पहचान है। तो इन्हीं मात्राओं को हम त अक्षर के दूसरे अक्षर, त वर्ग के दूसरे अक्षर अर्थात थ, थ से थर्मस, इस अक्षर के साथ इन स्वरों की मात्राओं को जोड़ने वाले हैं और 12 खड़ी लेखन करने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन बच्चों जब हम थ इस अक्षर का उच्चारण करते हैं तब थ के पीछे हमें अ की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे थ, अ, अ की ध्वनि सुनाई देती है, तो ये कहलाएगा थ। आप सभी बच्चे मेरे साथ दोहराने वाले हो, थ थ। अगला स्वर है आ। आ की मात्रा अर्थात एक्सटेंडिंग लाइन। अब आ की मात्रा को हम थ के साथ जोड़ने वाले हैं और वो क्या कहलाएगा, था था। वेरी गुड। अब आप बच्चे मुझे बताओगे कि ये कौन सी मात्रा है। करेक्ट, ये है ई की मात्रा, ये है छोटी ई की मात्रा। जब छोटी की मात्रा थ अक्षर के साथ जुड़ जाएगी तो क्या कहलाएगी, थी थी। ये भी है ई की मात्रा, लेकिन ये है बड़ी की मात्रा। इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ई। अब इस मात्रा को हम थ के साथ जोड़ देंगे, क्या कहलाएगा, थी थी। वेरी गुड। ये है छोटी ओ की मात्रा। छोटी ओ की मात्रा कहाँ लगाई जाती है, अक्षर के पैर में। तो चलो थ के पैर में छोटी ओ की मात्रा लगाते हैं और ये क्या कहलाएगा, थू थू। ये है बड़ी ऊ। इस बड़ी ऊ को हम थ के पैर में लगाएंगे। तो चलो और इसका उच्चारण करते हैं। ये है थू थू। शाबाश, वेरी गुड। ये है ए। ए की मात्रा अर्थात सिर पर स्लैंटिंग लाइन। थ के सिर पर ए की स्लैंटिंग लाइन क्या कहलाएगा, थे थे। ये है ए की मात्रा। ए की मात्रा अर्थात सिर पर दो स्लैंटिंग लाइन। थ के सिर पर इस तरह से दो स्लैंटिंग लाइन बनानी है और इसका उच्चारण करते हैं। ये है थे थे। बच्चों ये मात्रा कौन सी है, पहचानो। वेरी गुड, ये है ओ की मात्रा। थ अक्षर के साथ ओ की मात्रा लगाएंगे। थ के साथ जब ओ की मात्रा जुड़ जाती है तो वो क्या कहलाएगी, थो थो। ये है ओ की मात्रा, ओ
अ की मात्रा थ उस अक्षर के साथ जुड़ गई है और बन गई है थ। थ अंग 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 की मात्रा अर्थात सिर पर बिंदी। तो चलो थ के सिर पर बिंदी लगाते हैं और उच्चारण करते हैं थंग थंग। ये है अह। अह में क्या होता है, राइट साइड में दो बिंदी लगती है। तो चलो थ के राइट साइड में दो बिंदी लगाते हैं और ये क्या कहलाएगा, थह थह। तो बच्चों आज हमने थ की बाराखड़ी बाराखड़ी का लेखन सीखा। अब हम अगले सेशन में एक और बाराखड़ी लेखन का अभ्यास करने फिर से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।